जाज़िबे नज़र आया जिसमें एक खूबसूरत बागीचा भी मौजूद था जिसे चमन कहा जाता है। करीब भी वाक़े बावर्ची खाना, मेहमान खाना और दीगर तमाम सहूलियात यहाँ मयसर थीं। इस मौके पर वाफर मकदार में इंतहाई बेहतरीन अंदाज और बेहतरीन इंतजामात के साथ अफ्तारी हमने गिनती करने की कोशिश की लेकिन गिन ना पाए। असल मज़ा तो इन अफराद की जानिब से दी जाने वाली मोहब्बतों का था। वो मेहमानों का इस्तकबाल, उनके आगे अफ्तारी, शरबत और दीगर लवाजमात रखते हुए बिछे जा रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि हर शख्स यही समझ रहा था कि वही VIP है। ये चीज़ हमें बहुत पसंद आई और बहुत भाई। मालूम हुआ कि जनाब इस पुरलुत्फ अफ्तारी के बाद रिवायती नमकीन गोश्त, कोरमा, बिरयानी और दीगर डिशेस का भी इंतज़ाम किया गया है। इस खूबसूरत अफ्तार पार्टी में शिरकत करने के बाद जब हमने बादशाह खान से बातचीत शुरू की तो बादशाह खान कैमरे के सामने खुशी से नढ़ाल हो गए और कहा कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप मेरे घर पर तशरीफ़ लाए। आइए आपको इस खूबसूरत रिवायती डेरा अफ्तार पार्टी के मेज़बान के तासुरात बताते हैं और शरीक दीगर मेहमानों के तासुरात भी आपको सुनवाते हैं। हमें उम्मीद है कि इस पुरलुत्फ तकरीब की रुएदाद देखकर और सुनकर आपको बहुत लुत्फ आएगा। हमारा ताल्लुक ज़िला मर्दान से, केरे पठान जाने और रमज़ान जाने, तो हम हर साल यही प्रोग्राम है अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, सबसे मिलना जुलना हो जाता है, एक दूसरे से मुलाकातें हो जाती है, तो बहुत खुशी की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान बहुत ज़बरदस्त गुजरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हालात पाकिस्तान के सही नहीं थे मगर इंशाल्लाह पूरा क्यामानी में हमने ऐसे रौनकें बनाई, दिन रात गरीबों के दरों पर हर जगह पर पहुँचना, ये यार दोस्तों का ये गर्मा गर्मी, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा क्यामानी में ऐसा जगह नहीं है जिस जगह पर हम नहीं पहुँच सके। तो ये उस परवरदिगार का करम था, ये एक महीना हमने इस पूरा गरीब आवाम के लिए वक्फ किया था,
अल्हम्दुलिल्लाह आज और रौनक आप खुद देख रहे हो पूरा इलाके का। और हर साल 27वें हम ये प्रोग्राम रखते मोहल्ले के लिए, इलाके के लिए, हमारे मौजिजीन उलमाए किराम यार दोस्त बाहर से। हर आदमी का अपना एक नसीब होता है, कोई किसी काने के लिए नहीं जाते मगर मोहब्बत के लिए। हम मोहब्बत इस पूरा कराची में बांटने वाले लोग हैं और हमारे से हर साल अल्लाह ऐसा मेहनत ले जैसा इस मरतबा हमसे अल्लाह ने लिए। और आप लोग का बार बार शुक्रिया हमारे लिए है। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ आपके पूरा चैनल को, मेहरबानी। माशाल्लाह से आज ये अफ्तारी का प्रोग्राम रखे हमारे डिस्ट्रिक्ट के मशर बाचा खान साहब ने, जिसमें सियासी, समाजी और जो है ना इलाकाई अवाम ने भरपूर तादाद में शिरकत की है। और यह हर साल होते, अल्लाह पाक जो है ना बाचा भाई को इसका अजर दे और लोगों में इत्तेहाद और इत्तेफाक जारी रखे। आज की अफ्तार पार्टी की दो खसूसियात हैं, एक तो रमज़ान की अफ्तार है सवाब की नीयत से, और दूसरी बात यह है कि इलाके में बढ़ते हुए जराइम के हवाले से यहाँ इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन को इकट्ठा किया गया है कि ताकि इनके साथ एक बैठक की जाए और इलाके में हीरोइन, क्रिस्टल और आइस वगैरह इस कदर ज़्यादा हो चुकी हैं कि हर दूसरी गली में ये नशा चल रहा है। हमारी नौजवान नस्ल जो है तबाही की तरफ जा रही है, तो हम इस तबाही को कम करने के लिए, इस तबाही को ख़त्म करने के लिए, इस पे काबू पाने के लिए आज बाचा खान के डेरे में इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाया गया है ताकि इस बारे में बाकायदा एक मशावरत की जा सके और इसके ख़िलाफ़ कानूनी हिकमत अमली बनाई जा सके और इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सके। ये आज के दो इराज़ व मकासद हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस सवाब भी पहुँचाए और हमारे जो इराज़ व मकासद हैं उसको पूरा करने में हमारी मदद करें। माशाल्लाह जी, अल्लाह का लाख लाख एहसान शुक्र है कि रमज़ान मुबारक उसने हमें नसीब किया और ये घड़ियाँ हमें नसीब हुई, अल्लाह का बड़ा एहसान। और आज हम आए हुए केमाड़ी में, केमाड़ी की मुमताज़ शख्सियत बादशाह खान की अफ्तार पार्टी में, और माशाल्लाह यहाँ पर सैकड़ों लोगों का जमे गफ़ीर है और इससे अंदाज़ा भी हो रहा है कि केमाड़ी की इंतहाई पॉपुलर शख्सियत हैं बादशाह खान, और यहाँ के मारूफ समाजी कारकुन भी हैं। ये इलाके का कोई भी समाजी काम हो बादशाह खान के बगैर होता ही नहीं है, इनको लोग आवाज़ देते हैं। और आज हम उनकी खसूसी दावत पर आए हैं और रोज़नामा इवनिंग स्पेशल की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है, सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अहदेदारान यहाँ मौजूद हैं। और मैं सलामती न्यूज़ का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा कि सलामती न्यूज़ जो है वो अपनी पूरी टीम के साथ आज यहाँ पर मौजूद है और इस पूरे प्रोग्राम की कवरेज करने के लिए आए हैं। शहजाद भट्ट साहब को, फजल रजाक बाबू साहब को, उन सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले तो मैं मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ और स्पेशली सलामती न्यूज़ का और इन स्पेशल का जो आज हमारे पास आया और यहाँ पर आए। तो आज का हमारा प्रोग्राम जो है ना अफ्तार पार्टी है और मैं तमाम मुसलमानों को एडवांस में ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आज 24वां रमज़ान है और आज हमारा अफ्तार पार्टी का यही मकसद है कि एक तो हमारे लोग जो है ना हमारे पास आ जाए और हम इकट्ठे हो के एक साथ रोज़ा खोलें तो सवाब की नियत भी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो है ना केमाड़ी में बढ़ते जराइम के जो है ना रोकथाम के लिए आज इंशाल्लाह हम यहाँ से एक कमेटी तश्कील देंगे जो कि हमारे केमाड़ी के लिए जो है ना साबित कदम होगा इंशाल्लाह। मैं आज ये बादशाह खान की इफ्तार पार्टी की दावत में आया हूँ, सवाब की नीयत से आया हूँ। तो सलामती न्यूज़ के शहजाद भट्ट साहब को, इरशाद अहमद ख़ान सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के चेयरमैन को तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आए हैं। तो मैं सलामती न्यूज़ का बेहद मशकूर हूँ। ये हमारी तरफ से क्या नाम है, चाचा ने यहाँ प्रोग्राम किया डेरा बादशाह खान में, तो ये रमज़ान में ये हर वक्त हम करते रहते हैं और ये इसमें दोस्त यार अहले मोहल्ला गरीब लोग सब आते हैं, अफ्तार पार्टियाँ होती है तो इन ये दुआओं के लिए, ये रमज़ान का बाबरकत महीना है तो इसमें ये है कि ये लंगर वगैरह भी चलते रहते हैं। और बस आप सब लोगों की दुआएं चाहिए और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले साल हम और अपने पूरे 30 दिन ये चलाते रहे। कि बादशाह खान भाई ने ये इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रखा, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए, हमें कवरेज दी और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। कैमरामैन मुदस्सिर नज़र के साथ मोहम्मद शहजाद भट्ट, सलामती न्यूज़, कराची।